तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जिनका जो है सिल्वर प्लेबेटन आने वाला है, जो लोग जो है सिल्वर प्लेबेटन के लिए अप्लाई कर दिए हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो सिल्वर प्लेबेटन आने में कितना दिन लगता है और क्या क्या करना पड़ता है, तरह से मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो सिल्वर प्लेट आ चुका है फाइनली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा जो सिल्वर प्लेट आने में कितना दिन लगा और दोस्तों मेरे को जो है क्या क्या करना पड़ा, सारा चीज़ दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग जो अंत तक देखते रहेगा। दोस्तों अगर आप सिल्वर प्लेटन के लिए अप्लाई कर दिए और आपका मन में यही सवाल चल रहा है कि अब मेरा सिल्वर प्लेटन कब आएगा, तो सारा कन्फ्यूजन दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो दूर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग जो अंत तक देखते रहेगा। तो चलिए सब टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, मैं अपना जो सिल्वर जो प्लेबेटन है मैं 15 दिसंबर को दोस्तों मैं अप्लाई कर दिया था, मैं 15 दिसंबर को मैं ऑर्डर कर दिया था। आपको जो डेट याद रखना तभी आप लोग जो कैलकुलेट कर पाएंगे कि मेरा जो आने में कितना दिन लगा, ठीक है। तो मैं 15 दिसंबर को दोस्तों मैं अप्लाई किया था और उसमें जैसे ही मैं 15 दिसंबर को अप्लाई किया तो मेरे पास जो एक मेल है, मैं आप लोगों को मेल पर दिखाता हूँ। ये रहा मेरा फोन एंड साइड में आपको मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना जो है जीमेल ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं अपना जीमेल ओपन किया एंड इस पर क्लिक करते हैं एंड स्पैम में आते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो मेल जो है स्पैम फोल्डर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया था, यहाँ पर आप देखते ये मेल, यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे को मेल मिला था, फाइन डे ग्रेजेस योर सिल्वर अवार्ड इज इन द वर्क, ठीक है। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस मेल में यही लिखा है कि आपका जो सिल्वर जो प्लेबेट है 2 से 3 वीक में आपके पास चला जाएगा। तो मैं जो है 2 से 3 वीक वेट करना स्टार्ट किया और दोस्तों पूरा जो है दिसंबर चला गया, मतलब पूरा दिसंबर खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों मेरे पास जो है सिल्वर प्लेबेट नहीं आया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ, अगर आप सिल्वर प्लेबेट के लिए अप्लाई किए और जब तक आपके पास जो UPS की तरफ से कोई मेल नहीं आएगा तब तक आप लोग अपने सिल्वर प्लेबेट को नहीं ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों UPS का मेल आता है, आप लोग जो अपने KYC करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट देना होता है आप लोग देते हैं, तभी आपका जो सिल्वर प्लेबेट आ पाता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास जो है UPS का मेल दोस्तों मेरे को जो 11 तारीख को मिला है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर बैक आते हैं 11 तारीख को, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यार ये भारी है, ठीक है, अच्छा से रखते हैं इसको। यहाँ पर नीचे आते हैं, देखिए मेरे को ये मेल मिला था 11 तारीख को। ये दोस्तों 11 तारीख को मिला है UPS शिपिंग नोटिफिकेशन ट्रैकिंग नंबर, एंड मेरे को ट्रैकिंग नंबर मिल गया यहाँ पर, और दोस्तों इस ट्रैकिंग नंबर से तो मैं अपना जो सिल्वर प्ले बटन को जो है ट्रैक कर पा रहा था, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ ये मेल जो है कितना दिन में आता है। अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरा जो ये मेल कितना दिन में है, 25 दिन के बाद आया। अब दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड अगर आप YouTube पर वीडियो देखोगे कि ये मेल कितने दिन में आता है, तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बताएंगे ये 10 दिन में आता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कोई लिमिट नहीं है, ये दोस्तों मेल आपको तब मिलेगा जब आपका सिल्वर जो प्लेबेटन है जैसे ही इंडिया में आ जाएगा तभी आपको ये मेल मिलेगा, ठीक है। अगर आपका सिल्वर प्लेबेटन थोड़ा सा लेट करके इंडिया में आएगा तो आपको ये लेट करके ही मेल मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ जाइए, जब तक आपका इंडिया में सिल्वर प्लेबेटन नहीं आएगा तब तक आपके पास ये मेल नहीं आएगा। जैसे मेरा दोस्तों सिल्वर प्लेबेटन जैसे इंडिया में आया तो मेरे पास ये मेल आया, और दोस्तों मेरे को जो 11 तारीख एक और मेल आया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ KYC करने के लिए। देखिए अपलोड KYC डिटेल्स, तो मैं अपना जो KYC किया यहाँ पर, इसलिए ये इस लिंक पर क्लिक करके मैं अपना जो KYC किया। KYC करते वक्त आपको क्या क्या देना होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड लगता है एंड एक पैन कार्ड लगता है। आधार कार्ड का दोस्तों आपको जो फ्रंट एंड बैक का जो फोटो लगता है, और दोनों फोटो आपको जो मर्ज करके अपलोड करना पड़ता है। इस तरह से मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो पिक्सल में जाकर आप लोग जो मर्ज कर सकते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं अपना KYC किया, KYC करने के बाद दोस्तों मेरा जो है सिल्वर प्लेबेटन वहाँ से चल दिया, और यहाँ पर मेरे पास एक और मिला है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 13 तारीख को। ये देखिए ये दोस्तों डिलीवरी से रिलेटेड है, ठीक है। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो 18 तारीख को आपका जो सिल्वर प्लेबेटन चला जाएगा, जैसे कि वेडनेसडे 18/1/2023 को जो मेरा सिल्वर प्लेबेटन जो है आ जाएगा। तो मैं सोचा चलो 18 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। तो बैक आते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक और मेल मेरे को मिला 17 तारीख को, ये भी दोस्तों डिलीवरी से ही रिलेटेड है, ठीक है। एंड तो इसमें इस मेल में ये लिखा गया है योर पार्सल इज अराइविंग टुमारो, यानी दोस्तों ये जो मेरे को मेल जो है 17 तारीख को मिला है, और मतलब कि जो कल आने वाला है, यानी दोस्तों 18 तारीख को दोस्तों मेरा जो है सिल्वर प्लेबेटन आने वाला है। तो मैं जो 18 तारीख को जो वेट किया, क्योंकि इतना जो है एक्साइटमेंट था ना सर, मैं जो पूरा दिन जो है 18 तारीख को वेट किया, लेकिन मेरा जो सिल्वर जो प्लेबेटन है मेरे को जो 18 तारीख को मेरा जो सिल्वर प्लेबेटन नहीं आया। और उसमें आप लोग बता दूँ मेरे को जो 19 तारीख को जो है पटना से कॉल आया, और वो लोग बोले कि आपका सिल्वर प्लेबेटन आ चुका है, थोड़ा सा मेरे को जो तसल्ली मिला, अब मैं सोचा चलो अब मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो वो लोग बोले आपका सिल्वर प्लेबेटन आ चुका है, आप कहाँ पर रहते हैं, तो मैं अपना जो है जिला का नाम बताया कि मैं जो है रोहतास जिले में रहता हूँ और इस गांव से हूँ। तो वो लोग बोले कि आपका तो मैं गांव में जो है सिल्वर प्लेबेटन को नहीं भेज सकता हूँ। वो लोग बोले कि मैं जो है आपका सिल्वर प्लेबेटन जो है दो जगह पर भेज सकता हूँ, आपका मैं सासाराम में भेज सकता हूँ और डेहरी ऑनसोन में भेज सकता हूँ। तो मैं सोचे कि चलो डेहरी ऑनसोन मंगवाते हैं, क्योंकि दोस्तों डेहरी ऑनसोन जो है मेरे गाँव से जो है
20 किलोमीटर है एंड सासाराम जो 30 किलोमीटर है। तो मैं जो बोल दिया कि आप डेयरी ऑनसन भेज दीजिए। तो दोस्तों मेरा जो सिल्वर जो प्लेबेट है 20 तारीख को जो है डेयरी ऑनसन में आ गया। और दोस्तों 20 तारीख को मेरे को जो है 9 बजे से कॉल आया 20 तारीख को उस डेयरी ऑनसन से कि आपका जो है सिल्वर प्लेबेट आ चुका है, आकर अपना ले लीजिए। तो मैं जो 20 तारीख को गया और जाकर अपना लेकर आ गया सिल्वर प्ले बटन को। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग जो डेट मतलब कि दिन फाइंड कर सकते हैं कि मेरा जो कितना दिन लगा, ठीक है। जैसे कि दिसंबर में 15 दिन हो गया एंड इधर जो है 20 दिन हो गया जनवरी में, मतलब कि टोटल जो है यहाँ पर जो है 35 दिन मेरे को जो है लगा है ये सिल्वर प्ले बटन आने में। अब दोस्तों इतना टाइम क्यों लगा मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जो है गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपका जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि मेरा लगा, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा सिटी में रहते हैं, अगर आप दिल्ली से हैं, तो आपका जो है जल्दी आ जाता है, 2 से 3 वीक आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 से 3 वीक में आपको जो है मिल जाएगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो, या तो आप लोग कोई बड़ा शहर में रहते हैं तो आपको जो है थोड़ा जल्दी आएगा सिल्वर प्ले बटन, ठीक है। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपका थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारा चीज़ मैं आप लोग को जो बताने का मैं प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जो इस टाइप का वीडियो लेकर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।